किचन। मेरी आज की रेसिपी है हंकर्ड। हंकर्ड का मतलब टंगा हुआ दही। हम दही को एक पोटली में ओवरनाइट या 2-3 घंटे के लिए टांग के रखते हैं, सो दैट जो उसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और हमें एंड में मिले एकदम क्रीमी एंड गाढ़ा दही। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमने बनानी होती है आइसक्रीम या स्मूदी और हम दही को टांगना भूल जाते हैं। सो इसलिए इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा कि आप कैसे 2-3 घंटे की बजाय इस दही को बना सकते हैं 2 मिनट में। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मेरी इस रेसिपी को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी अमेजिंग रेसिपी। हमें चाहिए फ्रेश कर्ड एंड क्लीन कॉटन क्लोथ। सबसे पहले आप कॉटन के कपड़े को लें और अपने हाथों से ऐसे जगह बना लें और उसमें डालें 2-3 चम्मच दही। आप एक बार में 2-3 चम्मच दही ही यूज़ करें और फिर उसे ऐसे शेप देते हुए पोटली बना लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने इसे पकड़ा कैसे हुआ है। जो मेरी फर्स्ट फिंगर और थंब है उसने पोटली को ग्रैब किया हुआ है सो दैट जो दही है वो ऊपर से बाहर ना आए, और जो मेरी 3 फिंगर्स हैं और जो मेरा हाथ है वो हेल्प करेंगे इस पोटली को दबाने में, जिससे जो एक्सेस वाटर हैं वो आराम से निकाल सकें। फिर उसके नीचे कोई भी ऐसे बर्तन रखें और अपने हाथों से और फिंगर से इसे बड़े ही प्यार से प्रेस करें सो दैट जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकले। आप इसे थोड़ा थोड़ा सा घुमाते भी रहें और इसे बड़े ही प्यार एंड पेशेंस से ऐसे करें, और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि जो दही है वो पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए और जो पानी है वो निकलना ना बंद हो जाए। ऐसा करते टाइम इसमें से जो दही है वो भी बाहर आ सकता है। इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला कि जो एक्सेस वाटर है दही में वो निकल चुका है पूरी तरह से, या फिर जो आप अपने हाथ हैं वो बहुत ही ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं जिसकी वजह से जो दही है वो बाहर आ रहा है। अब आप देखेंगे पानी निकलने के बाद जो हमारा दही है वो बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ चुका है और हमारा हंकर्ड 2 घंटे की बजाय 2 मिनट में बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप हंकर्ड बनाएं और इस हंकर्ड को आप अपनी आइसक्रीम्स एंड स्मूदीज में यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।